भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अगले साल 7 जनवरी को आम चुनाव होने जा रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि भारत की बेहद करीबी मानी जाती हैं, उन्होंने चुनाव से पहले एक बड़ा दांव चला है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी अवामी लीग का चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो में भारत को लेकर बड़ी बात कही गई है। इस मैनिफेस्टो में कहा गया है कि अगर शेख हसीना लगातार चौथी बार चुनकर सत्ता में आती है तो स्मार्ट बांग्लादेश का निर्माण करेंगे। साथ ही साथ बांग्लादेश सकारात्मक राजनयिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए सभी देशों के साथ अपने विकास सहयोग को जारी रखेगा। विशेष रूप से भारत बांग्लादेश संबंधों के बारे में घोषणा पत्र में कहा गया कि भारत के साथ भूमि सीमाओं के सीमांकन और परिक्षेत्रों के आदान प्रदान की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हो गया है। इस उपलब्धि ने भारत के साथ निरंतर बहुपक्षीय सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित किया है। अपनी पार्टी की विदेश नीति प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हुए हसीना के घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन, ट्रांजिट, एनर्जी पार्टनरशिप और इक्विटेबल वाटर शेयरिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में पड़ोसी देशों के साथ सहयोग जारी रहेगा। घोषणा पत्र के मुताबिक द्विपक्षीय व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग जारी रहेगा। भारत भूटान और नेपाल के साथ सहयोग के नए क्षेत्रों में ऊर्जा सहयोग और संयुक्त नदी जल प्रबंधन शामिल होंगे। अवामी लीग के चुनाव घोषणा पत्र में 2041 तक बांग्लादेश को एक स्मार्ट देश बदलने के महत्वाकांक्षी एजेंडे की भी रूपरेखा दी गई है। इनमें एक आधुनिक तकनीक युक्त देश का निर्माण करना और देश के हेल्थ केयर सेक्टर को आधुनिक बनाना भी है। इस मैनिफेस्टो में कहा गया है कि अगर शेख हसीना की पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी का बहिष्कार होगा। शेख हसीना ने कहा है कि एक बार फिर हमें सेवा करने का मौका दें, आप हमें वोट देंगे तो हम आपको विकास, शांति और समृद्धि देंगे। उन्होंने कहा है कि हम जनता से भी जो वादा करते हैं उसे पूरा करने में विश्वास करते हैं। बता दें कि अवामी लीग का चुनावी चिन्ह नौका है। शेख हसीना ने कहा कि 2008 के चुनावी मैनिफेस्टो में हमने विजन 2021 का ऐलान किया था, जो बदलाव का चार्टर था। हमने इतने सालों में बेहतरीन तरीके से सरकार चलाई है। शेख हसीना ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि जब भी चुनाव आते हैं तो साजिश के तहत बांग्लादेश विरोधी और विकास विरोधी धड़ा सक्रिय हो जाता है। खैर, देखना ये होगा कि आखिरकार बांग्लादेश में जीत किसकी होती है। शेख हसीना भारत की करीबी मानी जाती है। जो मैनिफेस्टो उनकी पार्टी ने जारी किया उसमें भी ये बात साफ होती है। खैर, बांग्लादेश में चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।